तो आज हम आए हैं दिल्ली में और आज हम एक ऐसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो कि कोई भी नहीं जीना चाहता। यानी कि आज हम बनने वाले हैं भिखारी, वो भी 24 घंटे के लिए। और दोस्तों आप देखोगे कि भिखारी की ज़िंदगी कैसी हो, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और देखिए आगे आगे होता है क्या। थोड़ा आगे टहलते टहलते मुझे देखे एक अंकल जो कि सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें जगा भी देता हूँ, इनका भी भला हो जाएगा और मैं इनसे कुछ मांग भी लूँगा और मेरा भला भी हो जाएगा। तब कुछ खाने के लिए था, सुबह सुबह से खाना नहीं खाया था। अरे यार मैं तो अभी यार घर से निकला हूँ, अब देख रहा हूँ 10-20 रुपये देता हूँ, मेरे पास है ही नहीं अभी यार। चलो कोई नहीं है, तो शुरुआत है आगे। इसमें 5 टास्क अपने आपको दिए, अगर मैंने पूरे के पूरे 5 टास्क कर लिए तो हम भिखारी बन सकते हैं। पहला क्या है, हमको चाहिए पैसा, हम पहले पैसा मांगेंगे। दूसरा कि हमें किसी से पानी मांगना है, पानी। तीसरा खाना, चौथा कहीं बैठना, और पांचवा अपना रात में सोना। ठीक है भाई, ये 5 टास्क है हमारे पास, हमें ये पूरे पूरे करने हैं। आइए देखते हैं मजा आएगा। कैमरामैन भाई थोड़ा साइड रह दो ताकि किसी को शक ना मार दे। कुछ खाने के लिए दे भाई, कुछ खाने पीने के लिए। क्या कर रहे हो? कुछ खाने के लिए दे भाई, पैसे वैसे पैसे वैसे भाई। 10 रुपये पड़ा दो। 10 रुपये तो कोई बात नहीं, सुबह से खाना नहीं खाया भाई। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कबीला। जी जी, हाँ कह देते। धन्यवाद भाई। तो गाइस, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए मुझे भीख मांगे हुए और मैंने 10 रुपये कमा भी लिए। आपको लग रहा होगा कि भीख मांगना कितना आसान है, कितना मजा काम है, लेकिन दोस्तों आपको जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। कुछ खाने के लिए दे भाई, कुछ खाने के लिए। 10-20 रुपये, 10-20 रुपये क्या? कुछ खाने के लिए दे दे, 10-20 रुपये। तो मैंने ताऊ से कहा, ताऊ कह रहे वहाँ जाओ, तो चलो वहीं चलते हैं। भाई कुछ खाने के लिए दे दे यार। भाई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, दिख रहा है। हाँ भाई, हाथ हिला दूँ कैमरे में, हाथ हिला दूँ। अरे यार, इस भाई ने मैं पहचान कैसे लिया, समझ नहीं आया। वो तो भाई मुझे दूर से दिख गया, जब तुम ऐसा फेस बना के भिखारी इतने ज़्यादा बुरे ना हो। वैसे मुझे भी लग रहा है, कह तो सही रहा है बंदा, लेकिन अपने को क्या, अपने को सिर्फ भीख मांगना है। तो मैंने कहा भाई खिला दे भाई, खिलाया भाई। दोस्त ने को ब्रेड दिया है, इसकी लाइफ बनता, आगे चल रहे। तो भाइयों, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे संग ऐसा भी होने वाला है। और क्या जो इससे पहले जितने भी लोग थे, क्या उन्होंने मुझे पहचाना होगा या फिर नहीं? चलो वो तो छोड़ो, वो तो बात की बात है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और अपने चेहरे पे मिट्टी विट्टी लगाते हैं और ब्लैक ब्लैक करते हैं, और हम फिर दोबारा से अपने आज के चैलेंज को कंटिन्यू करते हैं। सामने एक पपीता वाला दिख रहा है, इनसे एक बात। तो कुछ खिला दे यार, सुबह से कुछ खाया ही नहीं भाई। क्या भी नहीं खाए भाई, भाई हम तो भूखे हैं, हम भी नहीं खाए, हम भी नहीं रोटी खाए, अभी तो भूखे हैं। सॉरी अंकल, सॉरी, हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, कल मैं जा रहा हूँ, आप अपना सोता बेचिए, मैं जा रहा हूँ। उन अंकल को अपना सोता बेचने की ज़्यादा टेंशन थी, तो भैया मैं तो वहाँ से अपना निकल गया। फिर आगे जाके मुझे वहाँ पे 2 बंदे मिले। चैनल बता रहा, एक सब्सक्राइबर और मिला। मैट सन्नी नाम पे डाल दे, मैट सन्नी के नाम से डाल, मैट सन्नी। फिर भाई का यार फोटो भी खींच रहे यार। फिर मैंने फोटो खिंचाई और फिर मैं चल दिया आगे। भाई कुछ खाने पीने के लिए दे रहे यार, सुबह से कुछ खाया ही नहीं, आए नहीं है, हम क्या डाल रहे हैं, हम खुद गरीब आदमी हैं यार। इसके बाद इस बंदे ने कहा आप इनके पास जाइए, तो मैं इनके पास गया। देख कुछ खाने पीने के लिए दे रहे यार, 10-20 रुपये बैठे भाई, इसमें खाया नहीं। कहाँ रहते हो? हम रहते हैं ये पर रहते हैं, कहाँ पर नहीं रहती, एक नंबर नहीं, एक नंबर में और कौन रहता है? मैं अकेला रहता हूँ, कोई नहीं है। कहाँ से आए? बिहार।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तेरा भाई वाई कोई भी नहीं है, तेरे काम वाम पर काम वाम सोच रहा हूँ करने बहुत रहा है। क्या सोच रहे हो? जल्दी सब में हमारे जलवा है हमारा, मेरे ऊपर क्या है? 3 सालों से काम कर रहा है, हमारे काम है तुम्हारे में वही काम वाम है तो डरवा रहे हो तुम ये और कहाँ पे इतने बड़े मारे थे हमें कहीं भी जाएगा ना कब खर्चेगा ना फिर और रहता मेरे 8-9 हज़ार रुपये आराम से देंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? साफ होता है, मैं कहीं से आता हूँ। अरे भैया इन दुकानदार वाले अंकल की तो सवाल ख़त्म नहीं हो रही। मैंने कहा सवाल ख़त्म होने से पहले कहीं मैं ख़त्म ना हो जाऊँ, तो इसलिए भैया मैं निकल गया आगे। दे दे भाई, फ्री में देगा, फ्री में देगा, फ्री में, पैसा नहीं है। तो दोस्त अभी तक मेरे पास हैं 10 रुपये और मैंने खाया है थोड़ा सा ब्रेड बस, और मेरे को हो गए यहाँ पे डोलते डोलते 4 घंटे, और अब मेरे पैर में भी धीरे धीरे दर्द करने लग रहा है। और यहीं पास में एक वैष्णो देवी मंदिर है, तो चलो वहाँ चलते हैं। मतलब नहीं है लोग, मतलब सिर्फ पैसे, तुम सिर्फ पैसे मांगो दोस्तों, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं देख रहा। हम जाते जा रहे हैं, हम लोगों से पैसे मांग रहे हैं, लोगों को अपने काम को मतलब है। आप दोस्त लोगों को देख के कुछ भी काम को बंद मत करें, आप अपना काम खोलें और लोगों से ना जाएं। तो सामने से साइकिल वाला बंदा आ रहा था, तो मैंने उसे लिफ्ट मांगी, भाई थोड़ी सी छोड़ देगा आगे आगे तक। उसने कहा छोड़ दूंगा, तो हम चल दिए मंदिर की तरफ। तो बड़ी ही मुश्किल से मैंने कैसे ना कैसे करके मंदिर तो पहुंच गया, लेकिन दोस्तों हमारी किस्मत ही फूटी पड़ी थी, क्योंकि मंदिर में कोई था ही नहीं, यानी कि मात्र 21 लोग पूजा कर रहे थे। और मैं थोड़ा वहां पे रुका, अभी मैं 10 मिनट रुका, 20 मिनट रुका, 30 मिनट हो गए और 1 घंटा हो गया, लेकिन कोई जल्दी बाहर ही नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद एक बंदा बाहर आता है, और मैंने इससे थोड़ी सी कोशिश करी मांगने की, अंकल जूस खाने के लिए दे दो। तो भाई इन अंकल ने तो देखा तक नहीं, चलो थोड़ा और वेट करते हैं, क्या पता कोई और मिल जाए देने के लिए। मंदिर में कोई था नहीं, तो मैंने मंदिर को प्रणाम किया और मैं आगे निकल गया। दोस्तों जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही मुझे पानी का सहारा मिला। लेकिन दोस्तों भूख ऐसी चीज़ है जो कि पानी से नहीं मिटने वाली, और मुझे भूख बहुत तेज लग रही थी, तो मैं फिर से अपने खाने की तलाश में निकल पड़ा। आंटी कुछ खाने के लिए दे दो। आंटी तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि मानो मैंने आंटी के मकान का पेपर ही मांग लिया हो। उसके बाद मुझे दिखा सामने एक बोर्ड, और फिर मुझे लगा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा, तो मैं यहाँ से निकल गया। कल 10-20 रुपये तो खाने पीने के लिए भाई, 10-20 रुपये खाने पीने हैं, ये रहा कुछ खा पी लो। पैसे वैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो खवा देगा भाई। मैंने इन अंकल को कहा अंकल आप खवा दो, अंकल कह रहे जाओ वहाँ खा ले, कल चावल खिला रहा है, चलो यहीं चलते देखते वो खिलाते नहीं खिलाते। भाई भाई सुबह से खाना नहीं खाया, खिला दिया सुबह से खाना नहीं खाया, खिला दिया पैसे वैसे नहीं। मैं खाना नहीं खाया तो खा ले।
ओ भाई क्या बात है, ये भैया मान गए। दोस्तों इन भैया का दिल बहुत बड़ा है, दोस्तों इन भैया के लिए एक लाख जरूर बनता है। ये भैया बहुत अच्छे हैं और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा से खाने खिलाया था, और ये बार बार पूछ रहे थे कि ऐसे हालत कैसे बना ली, और मतलब इसका मतलब अभी भी इंसानियत जिंदा है। तो चलिए अब थोड़ा पेट पूजा हो जाए। अब दोस्तों यहीं पास में एक रेलवे स्टेशन है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस अभी तक मेरे पास हो चुके हैं पूरे पूरे 22 रुपये, है ना, 22 रुपये हो चुके हैं पूरे पूरे। और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और रात भी होने वाली है। तो अब चलते हैं नीचे यानी कि प्लेटफॉर्म पे और थोड़ा आराम करेंगे और थोड़ा सोएंगे। और रात मैं सोच रहा हूँ कि रात यहीं बिताते हैं। सामने मुझे एक खाली बेंच दिख रही है और अब हम इसी पर अपनी रात बिताने वाले हैं। दोस्तों हमारा मकसद पैसे कमाने का नहीं था, हमारा मकसद ये था कि आप खुद खाएं कि दोस्तों जो ज़िंदगी होती है भिखारियों की कैसी होती है, वो कैसे बेचारे भीख मांगते हैं। तो आपको जब भी भिखारी मिले उसको 5 या 10 रुपये जोड़ दे दोस्तों, क्योंकि वो ही बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लोग कहते तो भिखारी क्यों है, लेकिन दोस्तों भिखारी की ज़िंदगी में इतनी आसान नहीं होती है, भीख मांगना इतना आसान नहीं होता है। भीख मांगते हैं तो लोगों की गाली पड़ती है, लोगों की लात पड़ती है, जब जाकर उनको 5 रुपये मिलता है लोग कहते हैं भिखारी क्या कर लेगा ये, ऐसी बात नहीं दोस्तों। और जो हमने पैसे कमाया ये अपने लिए नहीं कमाया, अब जो पैसे हमने कमाया है उसको हम गरीबों में बांट देंगे। और ये हमारे जो हमने काम करा इसका मकसद हमको पैसे कमाना नहीं था, हमको सिर्फ आपको दिखाना था कि जो भिखारी लोग होते हैं वो भी बहुत मेहनत के भीख मांगते हैं। और ये हमने और ये मैंने उसे कहा भिखारी की एक जिंदगी। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट आप कैसे करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी ज़िंदगी बदल सकता है और दूसरों के भी हमारे के थ्रू के द्वारा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।